गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की सजा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। इससे अफजाल की सांसदी चली गई थी। अब हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। बिना पैसे दिए जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में न्यायालय के आदेश पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में भगवानपुर के रहने वाले देवी शंकर ने नगवा के रहने वाली सुनीता देवी, उसके पति बच्चे लाल, अशोक यादव, रोहित पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी कूट रचित करने के मामले में लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सोमवार को जेपी मेहता इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉलेज में व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कॉलेज में मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए। लापरवाही पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। नगर आयुक्त के निरीक्षण के बाद जेपी मेहता इंटर कॉलेज के दिन बहुरने की उम्मीद जग गई है। सारनाथ क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 रघुनाथपुर में सीवर न होने से सड़क पर ही पानी लग जा रहा है। बारिश में हुआ जल जमाव तालाब के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। रात के समय में लोग यहां आकर गिरने से चोटिल भी हो रहे हैं। यहां के नागरिक इन समस्याओं से काफी ज्यादा पीड़ित हैं। जल जमाव के कारण बीमारियों का अंबार फैला हुआ है। सड़क पर पानी लगा हुआ है, न दवा छिड़काव, न ही कोई जनप्रतिनिधि हालचाल लेने आता है। लंबित समय से मनरेगा का भुगतान न होने पर आराजी लाइन प्रधान संघ ने ब्लॉक मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रधानों ने मुख्यालय गेट का तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इसे लेकर वीडियो एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को अपना मांग पत्र भी सौंपा। हम लोग ताला बंद करके, गेट का ताला बंद करके धरने पर बैठे हुए हैं और सांकेतिक रूप से हम लोगों ने 26 तारीख को ज्ञापन वीडियो को दिया था कि जब तक मनरेगा आज 2 सालों से हम लोगों का काम कर रहा है उसका भुगतान नहीं हो रहा है और पूरे प्रदेश में ये हर ब्लॉक के सारे संगठन के प्रधान संगठन की तरफ से हर जगह तालाबंदी हो रही है कि जब तक मनरेगा का भुगतान का पैसा नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। आज ये सांकेतिक बंदी है, उसके बाद 3 तारीख से हम सभी लोग अपने गाँव में कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक भुगतान नहीं आ जाता है पैसा। CUET की आंसर की जारी कर होने के बाद स्नातक में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। अगले सप्ताह तक CUET का रिजल्ट आने की उम्मीद है। इसके साथ ही BHU में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की रफ्तार भी तेज हो गई है। शनिवार तक 42,000 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करा लिया था। काशी में यादव बंधु सावन के दूसरे सोमवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। परंपरा का निर्वाह करते हुए बंधुओं ने सावन के दूसरे सोमवार को BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर घर परिवार व लोक मंगल की कामना की। इस दौरान मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आस्थावानों की लाइन लगी रही। 80 से लेकर या बाबा विश्वनाथ तक सावन के दूसरे सोमवार पे लगभग कई सौ वर्षों से यह परंपरा जो है कि यादव बंधुओं को चली आ रही है। अपने पुरखों पूजनों का हम लोग जो है कि उसको परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने सावन के दूसरे सोमवार पे जल चढ़ाने का कार्य किया गया। लगभग 2,000 के संख्या में हमारे सिर गोवर्धनपुर के यादव बंधु नौजवान और बड़े बुजुर्ग लगभग 2,000 की संख्या में यहाँ पे प्रतिवर्ष लोग आते रहते हैं जल चढ़ाने। जलाभिषेक कर रहे हैं यादव बंधु, और क्या है परंपरा इसकी? ये परंपरा हमारे पूर्वजों का स्टार्ट किया हुआ है। सिर गोवर्धनपुर के जितने यादव बंधु हैं हर साल सावन के दूसरे सोमवार को हम लोग अपने घर से गांव से एकत्रित होकर 80 पे जाके वहाँ पे स्नान करके जल लेके BHU विश्वनाथ मंदिर पे आके हम लोग हर साल की भांति इस साल भी हमने जल अभिषेक किया। तो कितने की संख्या इस बार रही होगी? कम से कम हजारों के ऊपर थे और नौजवान की जनसंख्या ज़्यादा थी। गंगा के जलस्तर में सोमवार को तेजी से वृद्धि शुरू हो गई। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में पानी बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट और 80 घाट के आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया है, जिससे दोनों घाटों पर आरती का स्थान बदलना पड़ा। अब निर्धारित स्थल से थोड़ा पीछे ऊंचाई वाले स्थान पर गंगा आरती होगी। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती इलाके के लोग भी सशंकित हैं। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। मंदिर प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भोर से लेकर शाम 6 बजे तक 2,43,000 भक्तों ने बाबा का दर्शन और जलाभिषेक किया। मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा व अन्य अधिकारियों ने बाबा के दर्शन को पहुँचने वाले शिव भक्तों व कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। हरिणे त्रिषा तिलकिने नारायणे नास्त्रीणे
सोयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप। काशी में सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्थावानों का रेला उमड़ा। सोमवार को समूची काशी शिव की भक्ति में लीन रही। काशी के गली मोहल्ले सभी जगह पर डमरू शंख घड़ियाल की ध्वनि गुंजा मान रही। शिवालयों के बाहर भोर से ही भक्तों की लाइन लगी रही। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर, भेलूपुर स्थित तिल भांडेश्वर, मृत्युंजय महादेव, गौरी केदारेश्वर मंदिर, भदानी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कर्मदेश्वर महादेव मंदिर, सारंगनाथ महादेव मंदिर, त्रिलोचन महादेव मंदिर, ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, भीमाशंकर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जागेश्वर महादेव, मार्कंडे महादेव समेत काशी में स्थित कई शिवालयों में आस्थावानों का सैलाब उमड़ा रहा।